न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, जो मोदी सरकार कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी और सबसे ज्यादा सांसद मध्य प्रदेश से हमारे होंगे। इस समय तो एक ही चीज महत्वपूर्ण है, आतंकवाद का खात्मा। सम्मेलन भी हम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है। अतुल्य भारत, अतुल्य मोदी। सम्मेलन कार्यकर्ताओं का है चुनावी विजय के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मध्य प्रदेश में सबसे शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का उदय हुआ है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत। ये हमारा न्यू इंडिया है जो हमारे देश की तरफ गलत नजर से देखने वाले का सफाया कर देगा। आतंकवाद को खोद के गाड़ देंगे, केवल कमर नहीं तोड़ेंगे, भारत आगे बढ़ेगा। और सारी दुनिया आज खुशी की बात यह है कि भारत के साथ खड़ी है, पाकिस्तान अलग थलग है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।